ज्वार आटा, एक कप मिल्क, एक पका हुआ केला, स्टेविया और कुछ ड्राई फ्रूट। ज्वार की आटा को हम छान लेंगे नॉर्मली इस छन्नी में। अब ये छानने के बाद इसमें ही इनो देकर, इनो 1 टी स्पून हम इसको बनाना को ऐसे कट करके डाल देंगे। ये जो पूरा बनाना है ये मेरी ये डाला। अब इसको मिल्क एज पर यूज, वो कंसिस्टेंसी देखना पड़ेगा आपको, जैसे केक का फॉर्मेट हम रेडी करते हैं वैसा। अब ये हम जो बैटर तैयार किए हैं ना, ये केक कंसिस्टेंसी से थोड़ा ठीक रहेगा, बिकॉज ये अप्पम है। अगर आपको केक बनाना है तो इसमें थोड़ा सा और मिल्क मिक्स कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें स्टेविया। ये कोलैबोरेशन नहीं है, ये जो मैं यूज करती हूँ वही डाल रही हूँ। तो बस 2 या 3 ड्रॉप डाला मैंने, बिकॉज इसमें बनाना पका हुआ बनाना था तो ऑलरेडी वो स्वीट होता है। इसके बाद आपको ड्राई फ्रूट, ये मैं मिक्स डालती हूँ क्योंकि मेरे सबको मिक्स पसंद है, तो मैं ये मिक्स डाल दिया। एज पर आप लाइक देख सकते हो कि दे सक इसमें मिला सकते हो। एंड ये फटाफट हमारा रेडी। ये अपम तवा को हमने गैस पे रखा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी कोलाब्रेशन नहीं है, जो मैं यूज करती हूँ ऑर्गेनिक घी वो मैं डालूँगी बिल्कुल कम। और इस समय गैस को लो रखना है। इसमें स्पून से दिखा दीजिए, गैस फ्लेम लो रखेंगे, बिकॉज ये अंदर से कच्चा नार है, पूरी तरह से अच्छे से पक जाए। और ये हमारा घी नहीं डालना है। एंड इसको लो फ्लेम पे ही हम इसको लेड करेंगे, इसको लेड से 1.5 से 2 मिनट के बाद लीड हटाएंगे और देखेंगे इसको। यस, ये लाइट ब्राउन हो गया है। ये सब इसको फ्लिप करेंगे और इसमें और घी नहीं डालना है। जो घी हमने डाला है ऑलरेडी इसमें अप्पम के मिडिल में दिया हुआ था ना, ये हो गया है। ये देख सकते हैं आप, लाइट ब्राउन। यस,